हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी रेलवे स्टेशन पे हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राजगीर, पटना से राजगीर घूमने बिहार में। तो हम लोग वही ट्रेन से जाएंगे। अभी 2 दिन का हमारा ट्रिप है, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स फैमिली के साथ जा रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं राजगीर, उसके बाद हम लोग एक होटल में रुकेंगे। होटल पहुंचने के बाद बच्चे कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। होटल में आने के बाद वो लोग खुश भी हो गए, और वो लोग सो गए थे ट्रेन में, तो सोकर उठ भी गए। और मेरा बेटा भी खूब खेल रहा था वहाँ पे, बहुत मज़े कर रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए फ्रेश होकर घूमने के लिए, जिसमें हम लोग टांगा मिला हम लोग को टमटम, जिसको घोड़े पे चल के घोड़े गाड़ी। फिर हम लोग एक एक करके सब 2 घोड़े करे सब फैमिली फ्रेंड्स के लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने सब एक एक 2 घोड़े पे सब कोई हम लोग बैठ गए, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने घूमने के मंजिल पे। यहाँ देखिए आपको कितना अच्छा व्यू मिलेगा। वो ऊपर जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। यहाँ अब हम लोग एक म्यूज़ियम में आ गए, जहाँ का एंट्री फीस आपको लिखा हुआ मिलेगा। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिकट काउंटर है, और यहाँ से आपको टिकट लेनी है 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ करके, और यहाँ से आपको अंदर जाना है। ये भी बहुत जैन मंदिर ही है, जैन का। तो यहाँ पे घूमने के लिए एक यही है, एक मंदिर है इसके अंदर, और एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, अब हम लोग अंदर घुसेंगे। काफ़ी सुंदर राजा महाराजा के जैसा ये म्यूज़ियम का लुक बनाया गया था। उसमें जो बिल्डिंग वगैरह, जो महल दिखाया गया था, बहुत काफ़ी सुंदर बनाया गया था। ये सब हाथ का बना हुआ था। दूसरी जगह एक मंदिर है, जापानीज़ मंदिर, वहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं। वो भी टमटम से ही जा रहे हैं वहाँ पे भी।
जी व्यूअर्स, अब चलते हैं हम सोन भंडार। सोन भंडार का ये मान्यता है कि तीसरी और चौथी सदी के महाराजा बिंबसार का खजाना यहाँ छुपा है। वहाँ एक दरवाज़ा है जिसके पीछे ये खजाना है, और वो दरवाज़ा आज तक कोई खोल नहीं पाया, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए ब्रह्मी लिपि का एक मंत्र है जो कोई पढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि उस लिपि को पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुआ करती थी, और उसके पुस्तकालय को जब आग लगा दिया खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, तब वो लिपि भी जल गई और कोई पढ़ नहीं पाया। इसके वजह से वो आज तक खुला नहीं। अंग्रेज़ों ने कोशिश भी की थी, वहाँ एक खिड़की आप देख रहे हैं जैसे, उस खिड़की से तोप लगा के उन्होंने फायरिंग किया उसमें, और उस फायरिंग से एक छोटा सा निशान ज़रूर पड़ गया, लेकिन वो खुल नहीं पाया। ये एक गाइड हैं, इन्होंने ये सारा चीज़ हमें बताया। हम एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रॉपर जो उन्होंने बताया है 7-8 मिनट, वो हम आपको दिखाएंगे, वो ज़रूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, अब आ गए हैं हम जरासंध की रणभूमि में। यहाँ इस भूमि की खासियत ये है कि यहाँ पे अभी भी, क्योंकि ये अखाड़ा था, तो यहाँ पे अभी भी दूध और हल्दी का अंश मिलता है मिट्टी में। यह भूमि 1 किलोमीटर की दूरी पर है सोन भंडार से। यहाँ पे ई रिक्शा से हम आए, और यहीं पे भीम और जरासंध की लड़ाई हुई थी। और जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, पांचों पहाड़ दिखते हैं, और इन सभी पहाड़ों को हम एक जगह से एक ही केंद्र बिंदु पर खड़े होकर देख सकते हैं। हम सभी ने टीवी सीरियल में तो देखा ही था भीम और जरासंध की लड़ाई, जिसमें जरासंध को बीच से चीर दिया जाता था, वो फिर से जुड़ जाते थे। श्री कृष्ण ने सलाह दिया भीम को तिनकों के सहारे से, और उन्होंने उल्टे दिशा में फेंका और वो जुड़ नहीं पाए। तो यही कहानी हुई थी यहाँ पर। जरासंध कंस के ससुर थे। अगर आपको मेरा ये राजगीर का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें।